हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। तो अभी IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुकी है अभी। तो उसी का देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई थी और क्या पैटर्न में चेंज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीक्वेंस इन्होंने इस बार भी चेंज कर दिया, लास्ट ईयर भी चेंज किया था। लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था कि रीजनिंग और इंग्लिश को स्विच कर दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग इंग्लिश हुआ करती, देन फिर क्वांट, फिर लास्ट में हमारा रीजनिंग आता था, लेकिन दोनों को स्विच कर दिया, इंग्लिश और रीजनिंग को। तो रीजनिंग पहले आने लगी, फिर मैथ और लास्ट में इंग्लिश। और इस बार क्या किया, क्वांट और इंग्लिश को स्विच कर दिया। तो पहले आएगी हमारी रीजनिंग, ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग वाला पार्ट खुलेगा, देन उसके बाद इंग्लिश आएगी और लास्ट में क्वांट आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट में था यही सीक्वेंस था, एंड आगे बाकी शिफ्ट में भी यही सीक्वेंस जो है फॉलो होने वाला है। ठीक है, एंड जो इंग्लिश में जो चीजें पूछी गई थी वो RC के 10 क्वेश्चन थे, उनमें से दो सिनोनियम पूछे गए थे, एंटोनियम सिनोनियम। ठीक है, जिनमें वर्ड्स जो थे, एक था स्टोर, दूसरा था इवेंट, बाकी फिर एरर थे 4 से 5, फिलर्स 5 क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 ही थे ये, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वर्ड वर्ड यूसेज का था, तो किसी में 5 होंगे, किसी में 4, ऐसे कुछ होंगे। पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैप के 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो ये 30 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। देन फिर क्वांट में हमारा वही है कि सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक और लाइन डी आई। लाइन डी आई आई थी, सिंपल सी डी आई थी बिल्कुल, 5 क्वेश्चन डी आई के थे, 5 मिसिंग नंबर सीरीज थे, बाकी जो है हमारे 25 नंबर के अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन थे। अब ये एग्जैक्टली ध्यान किसी को ध्यान नहीं है, ठीक है, कोई बोल रहा है 15 है, कोई सिंप्लीफिकेशन 15 बता रहा है, कोई 12 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, तो टोटल ऐसे ही था। ठीक है, देन अभी आप अगर मेंस की तैयारी के लिए कोई अच्छा सा सोर्स ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो गाइडली पर अभी कृष्ण जन्माष्टमी का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको सुपर प्लान, तो सुपर प्लान में होता क्या है बेसिकली, तो जितने भी हमारे मॉक्स होते हैं रेलवे के, इंश्योरेंस, बैंकिंग के, ये सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बंडल PDF जितने भी हैं, और इसकी वैलिडिटी 1 साल है, तो 1 साल में जितनी भी चीज़ें गाइडली पर आती हो सारी इसमें इंक्लूड हैं, वन ऑन वन काउंसलिंग एक्सपर्ट, वीडियो कोर्सेज, सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आपको बता दूं कि विदाउट बिगनर्स किट है ये, बिगनर्स किट किसी को नहीं पता है तो आप चेक कर लेना गाइडली पर। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है 1699, और अगर आप कोड यूज करोगे RJ12 तो ये आपको 1500 समथिंग का पड़ जाएगा। ठीक है, तो मेंस के लिए काफी हेल्पफुल रहता है ये। बाकी हम आगे देखते हैं रीजनिंग में क्या चीजें पूछी गई थी। तो रीजनिंग में था हमारे पास ये थी सर्कुलर सिटिंग थी, जिसमें 8 पर्सन थे, वो सिंगल डायरेक्शन थी, इनसाइड या आउटसाइड ये पता नहीं। ठीक है, तो सिंगल ही डायरेक्शन थी, 5 क्वेश्चन थे। अनसर्टेन डेंजर रो थी, उसमें 21 पर्सन बता रहे हैं, 5 क्वेश्चन उसके थे। मंथ बेस पजल थी, 5 क्वेश्चन। कंपैरिजन बेस उसके 5 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी 3 से 4। अल्फानुमेरिक सीरीज थी 5, और मीनिंगफुल वर्ड था 1, और एक शायद पेयरिंग वाला भी होगा। तो रीजनिंग का जितना पता था वो आपको बता दिया है, बाकी कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं आई नो, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना जिसको भी पता है। यही सब था, बाकी जितने भी शिफ्ट हो रही है, ठीक है, आगे जितने भी शिफ्ट होंगी तो थोड़ा सा ध्यान से करना, बस प्रेशर मत लेना एग्जाम का, वरना तो एग्जाम खराब कर लोगे। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़, बिल्कुल रिलैक्स होके एग्जाम देना, थोड़ा सा भी अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे उसका फर्क पड़ेगा, और एग्जाम इसी का, आपको पता है स्पीड और एक्यूरेसी का ही एग्जाम ही है। ठीक है, सो बस यही आपको बताना था, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।